दुनिया के कई देशों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। उनके इलाज के लिए बहुत कम दवाइयां हैं। ऐसे में कोरोना के इलाज के लिए दो नई एंटीवायरल दवाइयां सामने आई हैं, जो कोरोना के गंभीर मरीजों पर ट्रायल के दौरान काफी इफेक्टिव रही हैं। इसमें पहली दवाई अमेरिकी कंपनी फाइजर पैक्सलोविड और दूसरी मर्क एंड कंपनी ने लेगेव्रियो बनाई है। दोनों दवाओं के ट्रायल के नतीजों के बाद फाइजर की दवा ज्यादा इफेक्टिव पाई गई है। हालांकि दोनों कंपनियों में से किसी ने भी दवाओं को लेकर पूरा डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन फाइजर का दावा है कि इसके इस्तेमाल के बाद कोरोना मरीज के हॉस्पिटलाइजेशन या मौत की आशंका बहुत कम हो जाती है। अगर इन दवाओं के काम करने के तरीके पर बात की जाए तो इनका 5 दिन का कोर्स होता है। सबसे पहले बात फाइजर की जाए तो दवा प्रोटीन इनहिबिटर डिजाइन पर काम करती है, जो उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है जिसकी मदद से कोरोना मल्टीप्लाई होता है। हालांकि इससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट भी हो सकता है। वहीं मर्क की दवा वायरस में रैंडम म्यूटेशन करती है, इसकी वजह से वायरस के लिए खुद को विकसित करना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये दोनों दवा कितनी सेफ है। इसे लेकर कंपनी ने ट्रायल का पूरा डेटा रिलीज नहीं किया है, लेकिन दोनों ने ही अपनी दवाओं को सेफ बताया है। इसी के साथ फाइजर की दवा के ट्रायल में शामिल होने वाले केवल 20% लोगों पर दवा का एडवर्स इफेक्ट हुआ। इनमें से अधिकांश को केवल माइल्ड साइड इफेक्ट हुए, वहीं 1.7% लोगों पर इसके गंभीर साइड इफेक्ट हुए। वहीं मार्क की दवा लेने वाले केवल 12% मरीजों में इसके एडवर्स इफेक्ट दिखाई दिए। फिलहाल दोनों दवाओं की सप्लाई में 1 साल का वक्त लग सकता है। इसे लेकर फाइजर ने अगले साल कुल 5 करोड़ से ज्यादा कोर्स का प्रोडक्शन करने का टारगेट है। वहीं मर्क ने साल के अंत तक 1 करोड़ कोर्स का प्रोडक्शन करने की उम्मीद जताई है। अमेरिकी सरकार कोरोना की वैक्सीन के साथ ही कोरोना पीड़ितों का इलाज भी मुफ्त कर रही है। ऐसे में फाइजर की दवा भी मुफ्त दी जा रही है। वहीं दूसरे देशों के साथ दाम को लेकर फाइजर और मर्क दोनों का नेगोशिएशन चल रहा है। हालांकि दोनों दवाओं से पहले भारत में DRDO ने भी कोरोना की दवा बनाई थी, लेकिन इस दवाई को सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए ही अप्रूवल मिला है। इसका इस्तेमाल अस्पताल में भर्ती मरीजों पर ही हो रहा है, लेकिन इन दवाओं की सफलता ने कोरोना मरीजों को राहत जरूर पहुंचाई है।